अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा दिनों के लिए अपने शहर से बहुत दूर। तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम इस तरह कर लो, जो सारा फिकल पहले से बनाया हुआ ये भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो इसकी मैं जो है शिफ्टिंग कर रही थी दूसरे कंटेनर में, और यहाँ पर मुझे पता नहीं कि इसमें हम कैसे लेके जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा था। पिकल्स की रेसिपी की बात की जाए तो मेरी जो चैनल है उस पर सारी मौजूद है, और आप सबको पता है कि किस तरीके से बनाना है। तो है वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये जो मैंने अचार पहले से बनाया हुआ था इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है। और ये शुरू में जो मैंने वीडियो में बनाया बताया आपको, तो ये बना बनाया अचार था। सो इसको मैंने इस बाल्टी से शिफ्ट कर लिया सारा, और इसके मसाले इतने अच्छे से पक गए थे, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू थी। सो ये पतीले में मैंने शिफ्ट कर लिया। फिलहाल मुझे कोई बाल्टी नहीं मिल रही थी, और यहाँ मैं फ्रेश पिकल डाल रही हूँ जिसमें मैंने मूली, गाजर, कैबेज और ये गाजर वगैरह सारा कुछ डाल लिया, साथ ही कुकम्बर्स। सो इस पर अभी मैं मसाले वगैरह डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें विनेगर ऐड किया 2 बॉटल्स, क्योंकि पिकल थोड़ा सा ज़्यादा है, और साथ साथ मैं अपना ये चॉकलेट भी इंजॉय कर रही थी। मामा लाई थी छोटू के लिए, बट मुझे अच्छा लग गया तो मैं खा रही थी। सो फिर जो सरका था वो तो ऐड हो गया था, उसकी थोड़ी देर बाद मैंने मसाले ऐड करना शुरू किए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 सारे मस्टर्ड सीड डाले, और आप 2, 3, 4 जितना चाहे लाइक जितना आपका अचार हो उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर ज़्यादा इसीलिए डाले क्योंकि हमारा अचार ज़्यादा था। सॉल्ट टू टेस्ट, लाल मिर्च 2 लार्ज टेबल स्पून, मेथी दाना 2 लार्ज टेबल स्पून, और इसके साथ ही गर्म वाटर आपने डाल देना है अपने अचार के हिसाब से। पानी को अच्छे से गर्म करके डाल देना है और ठंडा पानी नहीं डालना। सो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।